हम ग्रामीण या बच्चे हमारे से हर रोज शिकायत करते हैं कि हमारे हम कहाँ जाएं, स्कूल में किस लिए जाएं, कि हमारे स्कूल में पैरा टीचर नहीं है, छह पैरा टीचर नहीं है, छह पद का प्रिंसिपल दो साल से हमारा पद वो खाली पड़ा है, एक जो प्रिंसिपल था वो वहाँ लगा दिया है उनको बाड़मेर के अंदर, वो आने रहा है, उनके लिए पद तो पहले से खाली है, लेकिन हमारी ये मांग है कि हमारे जो ये पद पूरे भर दिए जाए उनके बाद हम ताला खोलेंगे, उसके पहले हम ताला नहीं खोलेंगे। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर गेट बंद किया गया है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे विद्यालय के अंदर दो साल से प्रिंसिपल पोस्ट खाली है और हमने कई बार विधायक महोदय को और प्रधान यहाँ पर प्रधान धनाऊ को हमने कई बार ज्ञापन भी दिया था और आज दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और इनके साथ साथ ही पांच छह पोस्ट भी खाली है और दो तीन अध्यापकों का अभी वर्तमान में ट्रांसफर भी करवा दिया और प्रशासन से एवं हमारे राजनेताओं से सभी से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य पोस्ट भरी जाएं और यानी सात जो पोस्ट खाली है उन्हीं पोस्टों को भी भरे जाएं और नहीं ये जब तक पोस्टें भरी नहीं जाएगी तब तक हम विद्यालय का लॉक नहीं खोलेंगे। क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग है कि अपने स्कूल में रूम की शॉर्टेज है, रूम नहीं है और दो साल से वो प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल का आवारा बना दिया है, बच्चे स्कूल में आते हैं तो शिकायत करते हैं, गुरु जी नहीं है, पद पूरे खाली है, कंप्यूटर पढ़ाई नहीं हो पा रही, पढ़ाई नहीं हो रही है, स्टाफ नहीं है तो कौन पढ़ाएगा, स्टाफ नहीं है, हमारे पता से मांगे हमारे वो मांगे पूरी करो और स्टाफ की भरपाई करो, ये हमारी मांग है।